नमस्कार, मैं हूं शुभे और न्यूज फॉर नेशन में आपका स्वागत है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव कब क्या कह बैठे, कब क्या कर बैठे, ये शायद उन्हें भी नहीं पता। तेज प्रताप यादव के फैंस के लिए वो तीजू भैया हैं, और हो भी क्यों ना, बिहार की राजनीति की वो एक सेलिब्रिटी जो ठहरे वो इसलिए क्योंकि घुंघराले बाल और हुड़ दबंग दबंग वाला अंदाज हर किसी को बहुत भाता है। लेकिन सवाल ये है कि जगदानंद वाले एपिसोड के बाद क्या बिहार की राजनीति में उनके फैंस के लिए या राजद के तमाम नेताओं के लिए तेजू भैया करना ज़रूरी हो गया है। इस सवाल का क्या जवाब है, आपको विस्तार में बताते हैं। तेज प्रताप यादव कभी कृष्ण तो कभी शिव अवतार में नजर आते हैं, खुद को किंग मेकर कहते हैं और बयानों में ट्रबल मेकर बनते दिखते हैं। पिछले दिनों तेज प्रताप यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की क्लास लगा दी। मामला पिता लालू यादव के रिहाई को लेकर आजादी पत्र से लिखना जुड़ा था। सीनियर नेता जगदानंद सिंह पर तेज प्रताप की नाराजगी से पार्टी में खलबली मच गई है, लेकिन तेज प्रताप यादव को फर्क नहीं पड़ता है, वो पहले भी पार्टी के सीनियर नेताओं की क्लास लगा चुके हैं। जगदानंद सिंह से पहले तेज प्रताप यादव पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे को भी बेइज्जत कर चुके हैं। इसके पहले तेज प्रताप पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की तुलना एक लोटा पानी से कर चुके हैं। राजद नेता और तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय को भी तेज प्रताप की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। कई जगह पर तेज प्रताप ससुर जी की बखिया उधेड़ते दिखे। आखिर में चंद्रिका राय ने जेडीयू में जाना बेहतर समझा। आज कभी कभार तेज प्रताप जानी अनजानी में चंद्रिका राय पर निशाना साधते दिख जाते हैं। बिहार की मौजूदा राजनीति को देखे तो तेज प्रताप के भाई तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है। चुनाव में गठबंधन के में तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया गया था। चुनावी नतीजों में हार के बाद तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बने। आज भी तेजस्वी यादव जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर सरकार पर हमले करते रहते हैं। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव राजद के सीनियर लीडर्स की क्लास लगाते दिखाई देते हैं। माना जाता है कि तेज प्रताप यादव सिर्फ लालू यादव से डरते हैं। फिलहाल लालू यादव चारा घोटालों में सजा काट रहे हैं और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि उनके बड़े लाल तेज प्रताप यादव नॉन स्टॉप जारी हैं। तो आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव की बयानबाजी लगातार जारी है। इससे पहले भी अगर उनके इतिहास को देखा जाए तो कई बार उन्होंने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपने घेरे में लिया है, उन्हें बेइज्जत किया है। कहते तो तेज प्रताप यादव खुद को किंग मेकर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रबल मेकर बनते दिखाई देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।